आज का वीडियो उनके लिए है जो अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेसिकली अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज हम उन तीन बातों पर, उन तीन रूल्स पर डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर वन। आपको उस पाथ को फॉलो करना है जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। चलिए इस बात को समझते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हम कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक लिखना चाहते हो, आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। आप घर की सफाई करना चाहते हो, बहुत दिन से आप टाल रहे हो, आप उसको कर नहीं पा रहे हो। क्यों? आप इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। आप सुबह उठ के जाना चाहते हो वॉक पे, आप वो भी नहीं करना चाह रहे हो। क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। अगर आप इस पर काम करोगे, आप उस चीज पर काम करोगे जिसमें आप सबसे ज्यादा रुकावटें होती है, आपका मन करता है उसे करने का लेकिन आप नहीं कर पाते, अगर इस पर आप काम करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप उसको फॉलो कीजिए, उस चीज को फॉलो कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। कहते हैं ना, अगर जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना पावर आप ऑब्जर्व करोगे। कहने का मतलब है, अगर आप उस रेजिस्टेंस को हटाओगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो सबसे पहले रूल नंबर वन मैंने कहा, आप उस पाथ को फॉलो कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। चलते हैं अपने रूल नंबर टू पर। रूल नंबर टू कहता है, आप उस चीज को कभी ना छोड़े जो चीज आपकी लाइफ को बेहतर करती है। इसको हम समझते हैं थोड़ी डिटेल में। कहने का मतलब है, आपकी लाइफ इंप्रूव कैसे होती है? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में। आपकी लाइफ इंप्रूव कैसे होती है? एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने में। अगर ये चीज को आपको ऐसे करना है, स्मॉल स्टेप्स आप उठाइए। कहने का मतलब है, पहले आप एक अच्छे आदतें अपने जिंदगी में जोड़े, उस पर पहले आप उसको मुकम्मल करें, फिर दूसरे स्टेप्स पे आप आगे बढ़े, फिर दूसरी आदतों को आप जोड़े। मतलब आप डेली अपने आप पर काम करें। एग्जाम्पल के तौर पर, आप पहले शुरुआती तौर पर सुबह उठने की कोशिश करें और वॉक पे जाने की कोशिश करें, और इसको आप एक आदत बना लें। तब तक आप इसको करते रहो जब तक ये आदत ना बन जाए। जब तक आपको अगर ना करने में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे, ऐसा फील हो, अगर आप उस चीज को ना करो तो आपका मन बेचैन हो जाए, आप उस चीज को इतना करो। इसलिए आपको इस चीज पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो चीज जिसको आपको इम्प्रूव करती है, आपकी आपकी जिंदगी को इम्प्रूव करती है, उस आदत को आप कभी ना छोड़ो। अक्सर वो ये देखा गया है, लोग शुरुआत में जोश में शुरू तो करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो छोड़ते हैं एक दिन, फिर छोड़ते हैं दो दिन, और फिर आदत बना देते हैं और फिर उस पर काम नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस आग को हमेशा इग्नाइट रखना है और इसको अपने एक जिंदगी का आदत बना लेना है, और इसको इतना अच्छा कर लेना है कि वो आपकी पहचान बन जाए। पहचान कैसे बन जाए? आपकी पहचान ऐसे बन जाए कि मानो कि अगर कोई बोले कि कोई भाई हेल्थ फिटनेस में है तो उसका आपका नाम इसमें आए। अगर कोई बोले कोई एक अच्छा राइटर है तो उसमें एक आपका नाम भी आए। आप उस चीज को इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि अगर आप उसको ना करो तो आप बेचैन हो जाओ। तो ये रूल नंबर टू। बढ़ते हैं अपने रूल नंबर थ्री पर, कि अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें। वो होगा रिकॉर्ड एवरीथिंग। अब रिकॉर्ड एवरीथिंग का कहने का क्या मतलब है, आप अपनी हर अच्छाई और हर बुराई को लिखने की कोशिश करें। अगर आप अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करोगे तो आपको एक वो बेटर पर्सपेक्टिव देगी आपकी जिंदगी जीने में। आपको वो ये बताएगी कि आपको क्या करना अच्छा है आपके लिए और क्या करना अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको ये सोच देगा, आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देगा। कल को आप कभी फंसोगे तो अगर आप उस चीज को दोबारा देखोगे कि भाई हमने ये गलती किया था तो उससे मेरा रिजल्ट आउटपुट क्या था, तो आपको रिकॉर्ड करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है। आप किसी डायरी में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो बेसिकली आप अपने थॉट को सबसे अच्छे से ज्यादा पढ़ सकते हो। तो कोशिश करो आप अपनी दिनचर्या को रिकॉर्ड करने की, वो आपको हेल्प करेगी आपके प्रोग्रेस में। आप अगर रिकॉर्ड करोगे तो आप समझ सकते हो कि आपने अपने लाइफ में कितना प्रोग्रेस किया। तो बेसिकली ये तीन रूल्स हैं आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है ड्रेस्टिकली। मैंने भी इस रूल को अपनाया, मैं भी अपने दिनचर्या में डेली कुछ ना कुछ अच्छाइयां जोड़ने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे हेल्प करती है अपने लाइफ को अच्छा करने में और एक बेटर करने में।
आप भी इसको फॉलो करने की कोशिश करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फिटनेस को लेकर आपके लिए लाता रहूंगा और आपको ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तब तक आप ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।